अस्सलामुअलैकुम जी नाजरीन, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हमने सॉल्व करना है। अब आपने फैक्टराइजेशन मेथड समझना है। फैक्टराइजेशन में कि फैक्टर ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, दो फैक्टर बनाने हैं आपने इनके और फिर सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड आपने समझना है। आपने एक्स केयर वाली जो वैल्यू है आपने एज इट इज ही लिख लेनी और सिंपल जो कांस्टेंट है उसको भी लिख लेना। और वो जो एक्स है आपके पास, इसके आपने दो फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाने हैं? यहाँ पे क्या है, वन। ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो वो माइनस वन ही आए, मतलब आए यही, इसको हमने तोड़ना है, ये समझ लें। माइनस वन के दो फैक्टर बनाने। अब फैक्टर कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि दो फैक्टर कौन से बने? आपने क्या करना है, एक्स केयर के साथ वैल्यू के आपके पास वन है कोफिशियंट इसका, एक्स केयर का जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ वन होता है, तो एक्स केयर के साथ कोफिशियंट क्या है, वन है। और सिंपल क्या है आपके पास, 20 है। इसको वो जो एक्स केयर वाले और सिंपल जो कॉन्स्टेंट है उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना, आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं एक्स के, मेके वन के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20 आए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो वो यही वाला आ जाए, मेके माइनस वन नहीं आ जाए। अब आपने फैक्टर 20 के फैक्टर बनाना शुरू कर देने। एक तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 20। अच्छा, इनमें से ऐसा एक फैक्टर चूज करना है जिसको प्लस या माइनस करें तो 1 आ जाए। आप यहाँ देख रहे होगे 5 में से 1 आप माइनस करो तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 20 आ ही रहा है। तो आपने क्या करना है, ये वाला फैक्टर चूज कर लेना है। अब आपके पास माइनस, यहाँ पे अगर माइनस आ जाए, यहाँ पे अगर माइनस है तो आपने माइनस वन बनाना है। तो बड़ी वैल्यू के साथ अगर माइनस हो जाए, माइनस 5x प्लस का 4x, हमेशा याद रखिए कि इस 4 को चाहे इधर कर दो, 5 को इधर कर दो, कोई मसला नहीं है, आपका आंसर ठीक आएगा, क्योंकि इसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, माइनस 5, मैंने 5 के साथ माइनस क्यों रखा है, क्योंकि बड़ी वैल्यू वाली अलामत आपके पास आएगी, 5 में से 4 गए 1 और आपके पास अलामत कौन सी है, बड़ी वैल्यू वाली माइनस आ जाएगी। अब आपके पास दो दो आपने पेयर बना लेने हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक्स, तो क्या आएगा, एक्स माइनस 5, एक्स कॉमन आ गया, एक्स निकला तो एक्स रह गया, यहाँ से एक्स निकल गया तो अकेला 5 रह गया, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4, 4 निकल गया तो आपके पास एक्स, आगे माइनस है, और 20 को 4 पे डिवाइड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा ये जो दो ब्रैकेट वाली वैल्यू आएंगी आपके पास एक जैसी आएंगी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक वैल्यू ये होगी, एक वैल्यू ये, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 5, और x माइनस 5 यहाँ से निकल गया तो x बच गया, x माइनस 5 यहाँ से निकला तो प्लस का 4 बच गया इज इक्वल टू 0। आप सिंपल इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो ब्रैकेट वाले उनको इकट्ठा लिख लेना और बाहर वाले जो x प्लस 4 है उनको एक ब्रैकेट में इकट्ठा लिख लेना। अब दोनों जीरो के इक्वल है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने x की वैल्यू निकालनी, 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक x की वैल्यू, यहाँ x 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे आपके पास है सेकेंड वैल्यू यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, यहाँ पे मेरा खास जगह है हमारे पास, इधर करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या दे रहे हैं, 3y का स्केयर इज इक्वल टू, याद रखिएगा जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पे कोई लिखने में कोई गलती भी हो सकती है तो अपनी बुक साथ में लाजमी रखिएगा, y माइनस 5 है, y इंटू y माइनस 5। अच्छा, इसको भी हमेशा याद रखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए होता है, बाद में इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है, 3y का स्केयर एज इट इज, इस y को अंदर हम y, ये भी इसकी भी पावर 1 है, तो y का क्या आ जाएगा, ये स्केयर y को 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 5y,
इन दोनों को उठा के आपने इधर ले आना है, थ्री वाई का स्केयर, ये वाई स्केयर इधर आके माइनस हो जाएगा, ये फाइव वाई इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा जीरो। अब वाई स्केयर है, यहाँ भी वाई स्केयर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी प्लस माइनस हो जाएंगी। यहाँ पर वन है, थ्री में से वन गया टू, वाई स्केयर एज इट इज में के जो वेरिएबल एज इट इज आ जाता है, जो कोफिशेंट है वो प्लस माइनस होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वाई वाई कॉमन वो आता है जो दोनों में हो, यानी कि यहाँ भी वाई है यहाँ भी वाई है, जो स्मॉल वाला है जो छोटे वाली वैल्यू है जो वेरिएबल है या छोटे वाला कोई भी वैल्यू है छोटे वाली वो आपके पास है कॉमन आ जाती है। अब यहाँ पे क्या टू बचेगा और यहाँ पे एक वाई बाहर आ गया, एक वाई बचेगा प्लस, यहाँ से वाई बाहर आ गया अकेला, फाइव बचेगी इक्वल टू, ये दो फैक्टर बन गए, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना था। अब इनको दोनों को जीरो का वाई इज इक्वल टू, ये भी जीरो, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू क्या बनेंगे टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो है, ये फाइव इधर क्या हो रहा है प्लस, तो फाइव उधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, अब हमने वाई वैल्यू निकाली, वाई के साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे इक्वल के बाद जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा है ज़रब हो रहा है उधर आके क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मैं क्या माइनस फाइव तकसीम बटा होता है, ठीक है, ये नीचे टू आके डिवाइड हो जाएगा।